हेलो एवरीवन, रीना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ऐसी गर्मियों में ना समझ में ही नहीं आता है कि खाने में रोज़ सब्जियों में क्या बनाएं। रोज़ वही करेला, भिंडी, नेनुआ, यही सब मिलता रहता है। पर आज हम लेके आए करेला की ऐसी रेसिपी जो आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा और कड़वापन तो एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा इस करेले का। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो इसके लिए कोई सा भी करेला ले, बस ध्यान रखें कि करेला जो ले थोड़ा सा मोटे साइज में ले, क्योंकि हम बना रहे हैं कलौंजी। तो इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करें कि करेला जो हो ना वो मोटा हो। और इस तरीके से क्या करेंगे ना, करेला को हम अच्छे तरीके से धुल लेंगे पहले पानी से। उसके बाद क्या करेंगे ना, छीलने की हेल्प से करेला को अच्छे तरीके से छील देंगे। जो करेला का जो छिलका है ना उसको हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी आगे यूज़ कर लेंगे हम इस छिलके को भी। और यकीन मानिए बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा ये करेला। तो इस तरीके से आप सारे करेला को छील लें अच्छे तरीके से, इसको साइड में करते हैं और बारी बारी सारे करेला को छील लेते हैं। तो ये देखिए सारे करेला हमने छील लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसकी जड़ें जो हैं आगे और पीछे की जड़ें उसको हम इस तरीके से काट लेंगे, काट के साइड कर देंगे इस तरीके से। बारी बारी से इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, इसमें कट लगाएंगे, तो बीच से फारी लगा देंगे इस तरीके से। करेला में करेला थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि बीज, किसी किसी करेले का बीज बहुत टाइट होता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा बचाते हुए हाथ को ही आप लोग कट लगाएं। और इस तरीके से क्या करेंगे, कट लगाने के बाद इसमें के जितनी भी बीजें हैं सारे बीज हम निकाल लेंगे। तो करेला के जितने भी बीज होते हैं ना सारे बीज हम निकालें, तो इस करेले की ना छिलका वेस्ट करेंगे और ना ही बीज वेस्ट करेंगे, सब चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। और यकीन मानिए बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा करेला इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो। तो क्या करेंगे ना, इस तरीके से अपने उंगली की हेल्प से इस तरीके सारे करेला के जितने भी बीज वगैरह हैं इस तरीके से अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यही प्रोसेस में अपनाते हुए बारी बारी सारे करेला को हम कट लगाएंगे और बीज वगैरह बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए बीज हमने निकाल लिए हैं, बीज बहुत टाइट है, तो इसमें जो सॉफ्ट बीज है उसको हम साइड कर लेंगे। और ये जो छिलका हमने करेला का छील के रखे हैं ना उसमें क्या करेंगे ना, नमक मिक्स करेंगे, फेंकेंगे नहीं, इसको यूज़ करेंगे। तो ये कुटनी ले लेंगे पहले, और कुटनी लेने के बाद इसमें से करेला का जो भी छिलका हमने निकाल के रखे हैं वो करेला इसमें हम यूज़ कर लेंगे। छिलके को बीज हमने बीन के निकाल लिए हैं, जो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था उसने हमने निकाल लिए थे। और इस तरीके से कुटनी के हेल्प से अच्छे तरीके से बीज को भी और करेले के छिलके को भी कूट लेंगे। तो इस तरीके से आपसे बात करते करते हमारी जो करेला के बीज वगैरह हैं, छिलका वगैरह अच्छे से इसके कुटा गया है, कुछ आ गया है मतलब कि। तो इसको क्या करेंगे ना, एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इस करेले के बीज को छिलके को क्या करेंगे ना, नमक मिक्स करेंगे, जिससे इससे जितना भी कड़वापन है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से नमक मिक्स कर दें और छोड़ दें थोड़ा देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए करेला भी सारे हमने बीज निकाल लिए थे, ये देखिए एक दो रख रहे हैं वो भी निकाल लेंगे। और ये देखिए सारे करेला को हमने बीज निकाल लिए हैं। तो आप इस तरीके से सारे बीज निकाल लें। अब नमक ले लेंगे हम, और नमक लेने के बाद करेला को अच्छे तरीके से अंदर से बाहर तक में नमक लगा देंगे, बाहर में भी लगाएंगे और जो चिरा लगाए ना तो अंदर में मिला। अभी करेला जो है थोड़ा सा टाइट लग रहा है, कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे ना कि करेला अभी सॉफ्ट हो जाएगा नमक लगाने के बाद। तो इस तरीके से बारी बारी सारे करेला में हम नमक मिला देंगे इस तरीके से, बाहर अंदर सब अच्छे तरीके से। इस तरीके से सारे करेला हमने नमक मिक्स कर दिए हैं और बीज में और छिलके में भी नमक मिक्स है। ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे ना कि जितना पानी छोड़ना रहेगा वो छोड़ देगा और अच्छे तरीके से। ये देखिए थाली में आप, और इस तरीके से इसको क्या करेंगे ना, पानी ले लेंगे और इसको करेले को साफ़ कर लेंगे, जो भी कड़वापन था वो दूर हो गया है करेले का, यकीन मानिए। और इस तरीके से अच्छे तरीके से पानी में डुबो डुबो के हम धुल लेंगे करेले को। तो इस तरीके से सारी करेला को हम बारी बारी से धुल के पानी से निकाल लेंगे। अब इस पानी को हम साइड कर देंगे और जो हमने बीज छिलका वगैरह लिया उसमें भी पानी डालेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से अपने अंगूठे की हेल्प से इस तरीके से आप इसका भी पानी इस तरीके से दबाते हुए सारा पानी निकाल दें। तो इससे क्या होगा, करेला का बीज का भी और करेला छिलके का भी जितना भी कड़वापन था वो सब निकल गया है। तो इस तरीके से बारी बारी हम सारे बीज को, करेले के छिलके को इस तरीके से झोलते हुए निकाल लेंगे। एक छन्नी ले लेंगे और इसमें इसको यूज डाल देंगे।
इस तरीके से फिर हम करेला को भी ले लेंगे और इस थाली में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें स्टीम करना है करेले को और करेले के बीज को भी और छिलके को भी। यकीन माने कुछ भी वेस्ट नहीं होगा आपका अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। और इस तरीके से हम पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे, अब इसमें क्या करेंगे ना, इसको रख के ढक के छोड़ देंगे मात्र 15 मिनट में। 15 मिनट के बाद ही देखेंगे तो आपका करेला वगैरह अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाएगा। तो बस और भी तैयारियाँ कर लेंगे, तो प्याज ले लिए हमने, चॉपर ले लिए, सबसे आसान हमें लगता है चॉपर में फटाफट चॉपिंग करना। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से क्या होगा ना, पानी छोड़ देगा प्याज। तो इस तरीके से आप कोशिश करें चॉपर में ले लें, नहीं तो फिर बारीक चॉप कर लें। तो ये देखिए प्याज जो है चॉप हो गया अच्छे तरीके से, अब इसको साइड में कर देंगे। और अभी तो आम का सीज़न भरपूर है, तो हम मेरे पास टिकोला पड़े थे आम का, तो हमने क्या किया, इस आम को छील लेंगे और आम को कद्दूकस कर लेंगे। इतना ज़्यादा फिसल रहा था ये, क्योंकि थोड़ा सा सूखा टाइप का हो गया था रखे रखे। तो इस तरीके से क्या करेंगे ना, कद्दूकस की हेल्प से इस तरीके से आम को अच्छे तरीके से निचोड़ ले, माने कि कद्दूकस कर लेंगे, सॉरी कद्दूकस कर लेंगे बारी बारी से। ये इस तरीके से अगर आप डालेंगे ना करेले की कलौनी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर एक कुटनी में हम ले लेंगे सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच हम इसमें साबुत धनिया लिए हैं, और इसको भी अच्छे तरीके से कूट लेंगे इस तरीके से। तो मसाले वगैरह भी हमारा रेडी हो गया, जो भी चाहिए होंगे हमारे करेले के लिए, तो सब तैयारी हो गया है। अब इसको सब्जियों को साइड में कर देंगे, तब तक स्टीम देख लेते हैं। करेला हो गया है अच्छे तरीके से, तो इसमें आप चाकू टूथपिक वगैरह कुछ भी डाल के चेक कर सकते हैं, हमें कुछ समझ में नज़र नहीं आ रहा था, हम तो छिलनी ले लिए। और इस तरीके से डाल के देखिए करेला अच्छे तरीके से स्टीम हो गया है मात्र 15 मिनट में ही। अब हम क्या करेंगे ना, पैन ले लेंगे, उसमें सरसों तेल ऐड कर देंगे। कलौंजी कभी भी बनाइएगा करेला तो सरसों तेल में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सरसों तेल गर्म हो जाए तो जो हमने सौंफ और धनिया कूट के रखे हैं वो ऐड करेंगे, और स्टीम करके जो बीज या छिलके रखे थे हमने वो इसमें ऐड करेंगे, और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने प्याज चॉपिंग करके रखे हैं वो प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्याज अच्छे तरीके से इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। कभी भी कोशिश करें कि प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप कर ले, कद्दूकस ना करें, नहीं तो प्याज जो है पानी छोड़ देगा। फिर इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़े चम्मच, और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले बेसिक से ऐड करेंगे हम, तो पहले तो डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, इसमें नमक ऐड कर देंगे, फिर थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, अगर आप मिर्च ना खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, फिर काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड कर देंगे। इन सारे बेसिक से मसाले हैं, बहुत कम हमने ऐड किए हैं, आप अपने अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और गैस की आँच को स्लो रखते हुए मसाले को अच्छे से पकने देंगे। धीमी आँच पर पकाने से अच्छा सा फ्लेवर आता है। फिर इसमें जो हमने आम को कद्दूकस करके रखे थे वो आम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास आम ना हो तो इस जगह पे आप आमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आम को भी इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाले जो है अच्छे तरीके से हमारे पक गए हैं, अब इसको साइड में करेंगे, ठंडा होने तक का वेट कर लेंगे। मसाला जो है अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है, अब हम करेला में बारी बारी से भर देंगे इस तरीके से। तो बस इस तरीके से बारी बारी से सारे करेला में क्या करेंगे ना, भर देंगे मसाले को। इसको पकाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी जो करेला है वो स्टीम हो गया है, तो आधा तो ये 50% जो है कुक हो चुका है, तो बस इसको हल्का सा फ्राई करना रहता है। तो इस तरीके सारे करेले में मसाले हमने भर लिए। फिर हमने ले लिए कास्ट आयरन की कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे सरसों तेल। फिर रिपीट कर रही हूँ कि कभी भी आप करेला यूज बनाएं तो आप सरसों तेल में ही बनाएं, बहुत अच्छा फ्लेवर आती है। फिर तेल डालेंगे, उसमें बारी बारी से हम करेला ऐड करेंगे। तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो बस इस तरीके सारे करेला हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ढक के उलटते पलटते अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आप लोगों को याद दिला दूँ कि अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर पसंद आ जाए तो। तो बस इस तरीके से आप क्या करें ना, करेला को उलाटे प्लाटे दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन होने तक का
रेसो मैं सॉरी इसको सेक लें अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक का। तो ये देखिए जो करेला है हमारा पके आराम से मैंने कि पक के तैयार हो गया। अब इसको हम निकालते हैं। तो आप रोटी चावल पराठा किसी के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए पराठा के साथ बहुत ही आसानी से करेला जो है टूट के तैयार। ये देखिए इसके मसाले भी देखिए बहुत अच्छा फ्लेवर आएगी इस तरीके से बनाए। तो कल आप लोग से फिर नई मिले कल वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।